प्रदेश के जनपद लखनऊ विधानसभा बक्सी का तालाब थाना इटौंजा के अंतर्गत वार्ड नंबर 4 के जिला पंचायत सदस्य महेश कुमार रावत द्वारा तहसील बक्सी का तालाब में उपजिलाधिकारी को ज्ञापन देते हुए कहा गया कि भैंसामुख क्रॉसिंग सड़क पर हो रही दुर्घटनाओं पर जानकारी और सड़क गड्ढा मुक्त और चौड़ीकरण के विषय में भी अवगत कराए और क्षेत्र में ग्रामीणों को हो रही परेशानी को लेकर भी वार्तालाप की। वही 2 दिन पहले हुए 2 मासूम छात्रों को छात्राओं का एक्सीडेंट होने के संबंध में उपजिलाधिकारी को ज्ञापन देते हुए कहा कि मृतक बच्चों के परिवार को 5 लाख का मुआवजा दिया जाए। वही आपको बता दें, हमारे संवाददाता गोविंद राज ने जिला पंचायत सदस्य महेश कुमार रावत से बातचीत की है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। उपस्थित हूँ उत्तर प्रदेश के जनपद लखनऊ विधानसभा भक्ति तालाब तहसील परिसर में, जहाँ पर आज महेश कुमार रावत जिला अध्यक्ष के द्वारा उप जिला अधिकारियों को ज्ञापन दिया गया है। उसके संबंध में हम बातचीत करेंगे कि आखिर किस लिए ज्ञापन दिया गया है। क्या नाम है आपका? महेश प्रसाद रावत। जो आपने ज्ञापन दिया है उसके संबंध में आप क्या? सरकार की दुर्मूल रवैया, सरकार जुमलेबाजी की वजह से हम पूरा देश पूरा प्रदेश त्रस्त है। इसलिए हम लोगों ने आम जनमानस की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। इस बात का ज्ञापन दिया है कि सरकार गड्ढा मुक्त सरकार करने की घोषणा करके सत्ता में आई थी, लेकिन गड्ढा मुक्त नहीं कर पाई। आज की स्थिति यह है कि अभी 8 दिन पहले भैंसामऊ कुमरावा रोड पर भैंसामऊ के पास भारी गड्ढे हैं, सिंगल रोड है। सिंगल रोड होने की वजह से, भारी गड्ढे होने की वजह से अभी 4 दिन पहले एक दुर्घटना घटित हो गई थी जिसमें मासूम 2 बच्चियों की जान चली गई। सरकार इतनी निरंकुश है, सरकार इतनी जो है बेकार है कि सरकारी अमला, चाहे क्षेत्रीय विधायक हो, चाहे क्षेत्रीय सांसद हो, चाहे अन्य जनप्रतिनिधि हो भारतीय जनता पार्टी के, चाहे भारतीय जनता पार्टी का प्रशासनिक कर्मचारी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का प्रशासनिक अधिकारी हो, किसी ने उस बच्ची के परिवार से मिलने की कोशिश नहीं की और बच्ची के परिवार को अपने हाल पे छोड़ के उसको जो है छोड़ दिया। सूत्रों द्वारा मैंने देखा था कि जो SR कॉलेज है वहाँ पे क्षेत्रीय विधायक मंत्री जी और कॉन्फ्रेंस करते हैं उसके संबंध में। देखिए, 2 दिन पहले आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं क्षेत्रीय विधायक, 2 दिन पहले आने का मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मतलब देश का विकास नहीं है। 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चले जाते हैं, आज की स्थिति क्या है? योगी सरकार एकदम नाकारा सरकार है। इनके पूरे देश में, पूरे प्रदेश में ये बात कही जाती है कि योगी के ही दोहे काम, फेंको जुमला बदलो नाम, 2 नाम से प्रसिद्ध है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। योगी सरकार, मोदी सरकार इसी नाम से प्रसिद्ध है। वो विधायक हो, क्षेत्रीय विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, कोई भी हो, हमारे वहाँ आके करेगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, बड़े बड़े दावे करेगा। रही बात विधायक की, अखंड भारत न्यूज के लिए गोविंद राज की रिपोर्ट, लखनऊ।